शीट नंबर 20 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि आपके पास दो एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टर आर ज्वाइंट टू अ सेल ऑफ ईएमएफ ई. कंडक्टर किसे बोलते हैं? वायर. वायर के दो एंड हमने किसके साथ जोड़ लिए? बैटरी के साथ जोड़ लिए. फिर वो कह रहे कि बैटरी की कोई इंटरनल रेजिस्टेंस लेनी है, तो हाँ मैंने ले ली स्मॉल आर, ये भी सही है. स्टार्टिंग फ्रॉम मिड पॉइंट पी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होगी ये री, और ये इसका मिड पॉइंट है पी. कुछ रेजिस्टेंस इधर है और कुछ रेजिस्टेंस इधर भी है, तो पी पॉइंट है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम पी वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो मान लो ये प्लस ये माइनस, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये री डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे. तो हम पी से चलते हैं, घूम के वापस पी पे आते हैं. पी से घूम के वापस पी पे आना है. रास्ते में आप एक्सपीरियंस करेंगे पोटेंशियल कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है. तो अपने एक्सपीरियंस को ग्राफ में प्लॉट करते हैं. चलो एक्सपीरियंस देखते हैं आपका क्या है. किरचॉफ लॉ सबको आता है, तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है? जैसे ही आप पी से करंट की डायरेक्शन में चले पोटेंशियल गिरा, क्योंकि जब आपका जो करंट है कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हायर टू लोअर. तो करंट की डायरेक्शन में जाने का मतलब पोटेंशियल का गिरना, पोटेंशियल का गिरना. फिर रास्ते में बैटरी आ गई, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस में जाने का पोटेंशियल बढ़ना, ये देखो बढ़ गया. फिर रास्ते में फिर रेजिस्टेंस आ गई, करंट के साथ जा रहे हो, रेजिस्टेंस में करंट के साथ जा रहे हो, तो पोटेंशियल फिर गिरेगा, ये फिर गिर गया. तो पहले जब आप करंट के साथ जा रहे हो, आई इन टू आर नेगेटिव है, गिर रहे, फिर माइनस से प्लस पे जाके बढ़ रहे, फिर आधी रेजिस्टेंस पी पॉइंट के राइट भी तो है, तो आई इन टू आर यहाँ पर भी गिर रहा है, क्योंकि पी पॉइंट मिड पॉइंट है. कुछ रेजिस्टेंस लेफ्ट में भी है कुछ राइट में भी है, तो एक बार यहाँ गिरेगा फिर बढ़ेगा फिर यहाँ भी गिरेगा, तो गिरेगा बढ़ेगा और गिरेगा. फिर आप पूछेंगे कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में क्या अंतर है. सी जो है उसके अंदर सेम ग्राफ है, सेम ग्राफ है, लेकिन कुछ इस तरीके से है कि ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये ऐसे है, और ये वैल्यू कितनी गिवन है? ई. सेम ग्राफ है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या अंतर है. बोलो क्या अंतर है? लेस से नहीं, क्योंकि जब बैटरी में से करंट बाहर निकलेगा तो कभी भी ई आपको मिल ही नहीं सकता. आपका आंसर ई से हमेशा क्या मिलेगा? कम मिलेगा. तो आपका आंसर लेस देन ई होगा, इक्वल टू ई तो कभी भी होगा ही नहीं. समझ में आ रहा है यहां तक? तो आपने ये आंसर मार्क करना है. क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू हमने कर लिया था. वी आई करेक्टरिस्टिक, इसकी स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस देती है. क्वेश्चन नंबर थ्री में 9 वोल्ट की बैटरी है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इक्वल रेजिस्टेंसेस लगी हुई है रास्ते में. तो पहले ये बताओ ये 9 की 9 किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल. और हर की रेजिस्टेंस 9 ओम है, तो 9, 9, 9, 9, 9 पैरेलल में, तो आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1 ओम आएगा. 1 ओम आ गया, 1 ओम आ गया, तो टोटल करंट बैटरी में से कितना निकलेगा? 9 बाई 1 कितना? 9 एम्पियर. तो 9 एम्पियर का करंट बैटरी में से निकला. फिर रास्ते में 9 इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा हर रेजिस्टेंस में. तो 9 एम्पियर का करंट एक में डिवाइड हो जाएगा. तो हर वायर में कितना करंट है? 1-1 एम्पियर है, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट भी बराबर डिवाइड होगा. क्लियर है? आपको बताना है एम मीटर में कितनी रेजिस्टेंस है. तो एम मीटर में 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों करंट मिलके एम मीटर को क्रॉस करेंगे. हर करंट 1-1 एम्पियर का है, तो टोटल करंट 5 मिलके क्या बनाएंगे? 5 एम्पियर. तो करंट एम मीटर कितना रीड करेगा? 5 एम्पियर, क्योंकि 5 करंट ही एम मीटर में से इकट्ठे पास करेंगे. कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आंसर 5 एम्पियर क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है कुछ, चलो कर लो. दो रेजिस्टेंसेज R1 R2, R1 बड़ा है R2 छोटा है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन, इनको पैरेलल में लगा दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 दोनों से ही कम आएगी. करवाया था हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आती है, तो मार्क कर लेना R less than R1, इक्विवेलेंट जो है less than R1 है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, आपको इस पूरे डायग्राम में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी में कितना है. अगर आप ये देखें कि ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 रेजिस्टेंसेस किस में कनेक्टेड है? इन सीरीज में कनेक्टेड है. सीरीज में वी डिवाइड हो जाएगा,
क्योंकि पांच 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 इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं, तो वी बराबर डिवाइड हो जाएगा कितना, 2 वोल्ट बराबर डिवाइड करना है 2 बाई 3 2 बाई 3 2 बाई 3 तक ऐड करके टोटल 2 वोल्ट आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये 2 वोल्ट की बैटरी इन सीरीज में कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल बराबर बराबर डिवाइड करना है, टोटल पोटेंशियल है कितना 2, तो 2 बटा 3 2 बटा 3 2 बटा 3, तो आपको ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ऐड कर दो 2 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 आंसर, बिना करंट को निकाले सीधा ही आंसर आ गया। कोई कहता है जी मैं तो ये सोच ही नहीं पाया, ऐसे भी कर सकते थे, मैं तो करंट निकाल लूँगा पहले। हाँ तुम करंट निकाल लो, तुम एक बैटरी लगा के करंट निकाल लो, फिर ओम लॉ लगा लेना, I into R plus I into R, तो भी आंसर आ जाएगा। तुम अगर किसी तरीके से करंट निकाल लो तो भी आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप पूछोगे सर करंट निकलेगा कैसे, ये बताओ, क्योंकि अगर आप करंट निकाल देंगे इन ब्रांचेस में तो मैं आंसर निकाल दूंगा। करंट निकालने के बहुत तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका इस टाइप के सर्किट का जो होता है वो किरचॉफ लॉ होता है। तुम कोई भी करंट ले लो, यहाँ से एक लूप लगा लेना, एक मिनट में लूप लगा के आया जाएगा, लंबा तरीका है, ये ज़्यादा बेटर है। दिख ही रहा है 2 वोल्ट बराबर 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 डिवाइड करके वैसे ही आंसर आ गया, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी चेक करो, कौन पैरेलल में कौन सीरीज में, क्वेश्चन को हाफ सॉल्व कर सकता हूँ, आधा कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने एक टॉपिक आपको करवाया नहीं है, आधा मैं ऐसे कर सकता हूँ। 10 और 10 किस में कनेक्टेड है बोलो, पैरेलल में, तो मैं ये तो कर सकता हूँ कि ए तो ये 5 ओम हो जाएगा, ये भी 5 ओम हो जाएगा, ये 8 ओम हो जाएगा, ये 3 ओम है, और ये 6 और 6 किस में कनेक्टेड है पैरेलल, वो कैसे कि अगर ये V1 है तो ये भी V1 है, वायर में कुछ लगा नहीं हुआ, और अगर ये V2 है तो V2 माइनस V1 दोनों पैरेलल, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये B पॉइंट है, क्लियर है? कोई कह रहे लगा सर ये सीरीज में हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे, जंक्शन है, वायर यहाँ पे खींची हुई है, तो करंट सेम तो ना रहेगा, डिफरेंट है। अब इसके बाद ना आपको कोई सीरीज में मिलेगा ना आपको पैरेलल में मिलेगा, ठीक है यहाँ तक? तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक करवाने वाला हूँ, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, 5 बाई 5 3 बाई 3 बराबर, ये उड़ जाएगा, क्यों उड़ेगा, कैपेसिटर में किया था, रेशियो बराबर आ रही हैं, बीच वाली रेजिस्टेंस को उड़ा के आंसर आएगा। लेकिन चलो अभी मैं इसको डिस्कस करना नहीं चाहता, इलेक्ट्रिसिटी में पहले व्हीट स्टोन ब्रिज डिस्कस करेंगे, ये बैलेंस स्टेट है, उसके बाद ही आंसर आएगा। पर लेकिन मैं रोक रहा हूँ इसे, आपको हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे कुछ करना पड़ेगा आगे, ठीक है? अभी ये करने वाला नहीं, ये क्वेश्चन करो, इसका आंसर निकालो 8 आ रहा है, ये लो इसका आंसर निकालो, ये 8 आ रहा है, कैसे आ रहा है बस मुझे ये बताओ कैसे 8 आ रहा है। मेंस में वो क्वेश्चन है, ये आपको दिखेगा प्रीवियस ईयर में, हाँ वो ऐसा क्वेश्चन देते हैं सीरीज पैरेलल का, एक ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर छुपा हुआ, अगर पकड़ लो तो ट्राई कर लो।
हाँ जी, कोई है जो 8 निकाल सके आंसर? अच्छा, टाइम लेना है, ले लो, निकल गया, ट्राई करो। अच्छा चलो, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, फिर 8 निकाल देना, ठीक है? फिर भी निकाल देना मैं हिंट देने के बाद भी। हिंट ये है, लिखा भी हुआ है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और किस में निकालनी है? बी में। करंट मान लो ए से चलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होके बी से निकलेगा, जो हवा में उड़ती हुई वायर है वो डेड एंड है, उसमें जाएगा नहीं, तो इसको हटा दें, इसको हटा दें और इसको भी हटा दें, ये भी लूज वायर है, ये किया आपने, ठीक है। फिर मैं आपको एक और हिंट देता हूँ, असली हिंट वो है जो मैं देने वाला हूँ, उसके बाद 8 निकाल दें। जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा उसमें ना एक तार छुपा के रखेगा जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये सबसे काम की चीज़ है, ये सबसे निगलेक्टेड चीज़ है, स्टूडेंट देखते अरे इसका क्या करना, कुछ है ही नहीं, असली तो ये चीज़ें हैं, ना ना ना, असली चीज़ तो ये है, शॉर्ट सर्किट कर रहा है ये। अब जो करंट यहाँ से आएगा उसको ये रास्ता भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, वो चूज ही नहीं करेगा इसे, वो कह रहा है यार आराम हो गया है, देखो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, सारा का सारा करंट ऐसे पहुँचेगा, उड़ा दो, ये चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो भी करंट आएगा वो क्यों जाएगा यार इसमें, इसमें वैसे नहीं जाएगा, इसको डिवाइड होना चाहिए था दो में, नीचे वाली वायर जाने में रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, जीरो रेजिस्टेंस है, जहाँ जीरो रेजिस्टेंस है वहाँ पूरे का पूरा करंट एंटर बाईपास कर, इसी को तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, रास्ता शॉर्ट कट मारेगा और यहाँ से निकल जाएगा, इसको चाहिए ही नहीं, अब कर दो 8। तो एक कॉन्सेप्ट समझ आया शॉर्ट सर्किट का, तो कॉम्पिटिशन में ऐसे जरूर एक तार छुपा के रखी होती है ऐसे जिसकी रेजिस्टेंस नहीं है, और स्टूडेंट सबको एंड सबसे एंड में उसी को देखता है, वो कहते हैं कि रेजिस्टेंस तो है नहीं, बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये लॉजिक क्या है, लॉजिक फिर से देख लो, अगर करंट आ रहा है आए और उसको दो रास्ते मिलते हैं जाने के लिए, मान लो बी एंड पर, एक रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होती और एक में आर ऑफर होती है, तो करंट को डिवाइड होना चाहिए पर वो नहीं होगा, वो सारा का सारा करंट उस रास्ते को फॉलो करेगा जिसमें उसको कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रही, सही है, क्लियर है? अब दोबारा देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ये दो और एक किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, कितना आएगा 4, 4 और 2 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल, कितना आएगा 1, नहीं 1 नहीं आएगा, ये 4 है और ये 2 है, तो 4 इंटू 2 बाय 4 प्लस 2 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 6, सही है, और जो आंसर आएगा वो इस 4 के साथ भी किस में कनेक्ट हो जाएगा, इन पैरेलल, चेक करो आंसर क्या आ रहा है, 1, अब आंसर 1 आएगा, तो ये दोनों पहले सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, और जो आंसर आएगा इसके साथ भी पैरेलल में, चेक करो आंसर क्या आ रहा है सॉल्व करके, 1। अब ये जो 1 आ रहा है ये बी पॉइंट है, इन तीनों की जगह यहां पर मैंने 1 लगा लिया, सपोज इन तीनों की जगह हटा दिया, 1 लग गया, अब करंट ये रास्ता क्यों फॉलो करेगा, उसको यहां पे कोई रेजिस्टेंस ऑफर नीचे जो मर्जी लगा उसको देखना ही नहीं है, करंट ऐसे ही चला जाएगा, इसको देखेगा ही नहीं, तो अब ये तीनों के तीनों किस में हो जाएंगे, इन सीरीज, 5 + 1 + 2 = 8 आ जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे करंट अपना रास्ता चूज करके और बची हुई रेजिस्टेंस कैसे आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, 8th क्वेश्चन नहीं करना, 20 नोट बेच है, 9th में तो बस करंट डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है कि करंट आया बैटरी से, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया जब यहां आया तो फिर जंक्शन आया तो कुछ राइट कुछ लेफ्ट, तो 2R के अंदर करंट टूवर्ड लेफ्ट जाएगा, बस यही बताना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बस ये है और कुछ नहीं है इसमें।